दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मलमल की कुर्ती जो तेजस्वी प्रकाश की है वो गुलाबी हो गई है, और ये करण कुंद्रा ने पहले नहीं किया गुलाबी, ये किसी और ने किया है। क्या है ये माजरा? कौन है वो जिसकी इतनी हिम्मत जो कि तेजस्वी प्रकाश की मलमल की कुर्ती को गुलाबी कर दे? होली के दिन आप अपने बॉयफ्रेंड को से पहले कलर नहीं लगा रहे, बल्कि ये एक्टर ने पहले कलर लगा दिया। आइए आपको बताता हूं। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार, आपका होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो करना अनिवार्य है। आप लोगों को बता दो एक सिंपल सी बात, ये मैं नागिन 6 के लेटेस्ट प्रोमो अपडेट बताना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, नागिन 6 में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। नागिन 6 में होली सेलिब्रेशन हुआ है, और वो और कोई शख्स नहीं है बल्कि है सिम्भा नागपाल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिम्भा नागपाल ने जो होली में तेजस्वी की चोली को रंगा, तो ये पर्टिकुलर वाक्या जो है अब बाहर आ गया है। दरअसल सेट पर से कुछ फोटोज और वीडियोस आई हैं सामने मेरे, जहाँ पर सिम्भा जो है वो तेजस्वी प्रकाश ऐसे डीजे फ्लोर बना हुआ है, यहाँ पे नागिन की कास्ट एंड क्रू है, मस्ती मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, और उसी दौरान सिम्भा और तेजस्वी स्टेज पे, मतलब प्रथा और ऋषभ स्टेज पे डांस कर रहे हैं, और डांस करते करते एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। प्रथा और ऋषभ का जो रिश्ता है वो लव एंड हेट रिलेशनशिप है। रात में एक होते हैं लेकिन सुबह दुश्मन बन जाते हैं। दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। इनफैक्ट बिग बॉस के घर पे ही दोनों कंफर्टेबल हो गए थे, ये बात हमने देखी थी। तो ऐसे में दोस्तों, करण कुंद्रा से पहले तेजस्वी प्रकाश को व्हाइट कलर की चोली में, व्हाइट कलर के लहंगे में और पिंक कलर की चोली में सिम्भा ने कलर लगा दिया। हाँ, आपको क्या है कहना नागिन के इस नए ट्रैक को लेकर? एंड आई नो कि नागिन की टीआरपी अब धीरे धीरे और ऊपर जाएगी। सो कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे जरूर बताइए इस बारे में। बने रहें चैनल के साथ। बाय बाय।